सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल टेक्निकल गुप्ता। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ओप्पो A15s फोन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर ये फ़ोन आप यूज़ करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि इसमें आज हम बात करने वाले हैं अपने फ़ोन में डेली डाटा यूज, नोटिफिकेशन ड्राइवर और रियल टाइम नेटवर्क स्पीड में कैसे शो करेंगे, उसे कैसे देखेंगे। जैसे कि अपने फ़ोन में डेली डाटा यूज होता है, अपने फ़ोन में हमें आज के दिन कितने MB कितने GB को डाटा यूज़ कर लिया है, और रियल टाइम नेटवर्क स्पीड जो था, जो हम जब डाटा को ऑन करते तो हमारा जो यहाँ पे दिखाई देगा कि हमारा जो डाटा जो है इंटरनेट स्पीड कितनी KB कितने MB से चल रही है। तो ये दोनों ही सेटिंग आपको एक छोटी सी सेटिंग में मिल जाएगी, जिसके जरिए हम बताएंगे आपको इसमें ऐसे आपको कर देना है। तो चलते अपने वीडियो पर, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों यहाँ सबसे पहले चलना होगा मैं अपनी सेटिंग पर। देखिए यहाँ सेटिंग है, हम सेटिंग पर आ चुके हैं। सेटिंग पर आने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, फिर हमें यहाँ पे दिखाई देगा नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार, तो हमें इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, तो हमें यहाँ पे दिखाई देगा दूसरे नंबर पर डिस्प्ले डाटा यूज इन नोटिफिकेशन ड्रावर, तो हमें यहाँ ऐसे ऑन कर देना है। जैसे हम यहाँ ऑन करेंगे तो हम यहाँ से स्वीप करके यहाँ पे दिखेंगे, दिखे हमारे दिस मंथ 0 MB हमने डाटा यूज किया, तो यहाँ पे शो करेगा आप में जो रहेगा दिखाएगा। तो अब यहाँ से अगला दिखाएगा रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, तो यहाँ पे देखिए ये दिखा शो हो रहा है, तो यहाँ से इसे ऑन कर देना है। यहाँ से ऑन करने के बाद देखिए यहाँ पे आ गया कितने KB कितने MB से हमारा जो डाटा स्पीड जो इंटरनेट स्पीड है शो कर रही है, तो यहाँ से इसे ऑन कर देंगे। यहाँ दोनों ऑप्शन करने के बाद अब इसे चेक कर सकते हैं कि हमारे कितने MB कितने KB को डाटा यूज कर चुके हैं, और कितने MB कितने KB से हमारी जो डाटा की स्पीड चल रही है। तो इसी तरह आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए गुड बाय।